हमारी पार्टी ने शुरू से ही कह दिया था कि भारत में फांसीवाद नए रूप में आया, नव फांसीवाद के रूप में धार्मिक कट्टरपंथ का सहारा लेकर आरएसएस का। और ये जो भारत का जो फांसीवाद है, ये फांसीवाद के बारे में यहाँ के वामपंथी में फर्क है। जैसे देखेंगे आप जो दक्षिणपंथी संशोधनवादी सीपीएम पार्टी का जो डॉक्यूमेंट है पार्टी कांग्रेस का, वो ये कहती है कि भारत में फांसीवाद नहीं आया है, वो फांसीवाद आने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ संकेत मिले हैं लेकिन फांसीवाद नहीं आया है। और माओवादी लोगों का तो हाल ये है कि माओवादी कांग्रेस भाजपा तृणमूल कांग्रेस में कोई फर्क नहीं करते, जो भी शासन में है वो सब मतलब एक समान एक स्तर के हैं। कोई फांसीवादी गैर फांसीवादी बुर्जुआ पार्टी ऐसा वो नहीं मानते, फांसीवाद बड़ा खतरा है शायद को नहीं मानते। तो ये जो स्थिति है ऐसा क्यों है? सीपीएम का जो सोच है वो तो सोच गलत है राजनीतिक रूप से, वो इसीलिए भी है, वो जैसा 30 के दशक में इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर आया था, वो संसद के बल पर चुनकर आए थे, लेकिन आते ही उन्होंने संसद खत्म कर दिया, न्यायपालिका सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन अभी भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। किसी शताब्दी में साम्राज्यवाद का जूनियर पार्टनर भारत का जो फांसीवाद है, संघीय फांसीवाद, ये संसद भी बनाकर रखा, न्यायपालिका सब जगह, लेकिन पूरी तरीके से फासिस्ट जो है अधिग्रहण कर चुका है पूरा। और संसद में बिना चर्चा किए ही तीनों कृषि विरोधी कानून को पास करता है, मजदूर विरोधी कानून को पास करता है, जो भी चीज करता है संसद की मोहर लग जाती है, न्याय जज की मोहर लग जाती है, सुप्रीम कोर्ट या किसी का भी, तो जो उनको करना है वो सब कुछ कर रहे हैं, बना हुआ है न्यायपालिका कार्यपालिका, कुछ खत्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खत्म भी कर सकते, लेकिन आज उनको जरूरत नहीं पड़ रहा, सब कुछ बना हुआ है संसदीय प्रणाली और पूरा फांसीवाद है। तो हमारा इस बारे में कोई भ्रम नहीं है, हम इस बात को कहते हैं कि फांसीवाद नया फांसीवाद के रूप में इसीलिए है क्योंकि ये आज भारत जैसे नौ मेशिक निर्भरशील देश में फांसीवाद आया है। और ये हमारा जो सोच है, उसमें कॉमरेड डिमिट्रोव द थर्ड इंटरनेशनल के नेता थे, ये सातवां जो उसका कांग्रेस 1935 में हुआ था तभी बोल दिए थे कि फांसीवाद ऐसा नहीं कि साम्राज्यवादी यूरोपियन पूंजीवादी देशों में आएगा, ये अर्धौपनिवेशिक उपनिवेशिक देशों में भी आ सकता है परिस्थिति के अनुसार। और एमएन रॉय ने भी कहा था उस समय, जब कोई सोचता है, एमएन रॉय ने उस समय ही कहा था कि फांसीवाद भारत जैसे देश में आ सकता है, जो कॉमरेड असीम गिरी ने डॉक्यूमेंट भेजा है एमएन रॉय मानवेंद्र नाथ राय का। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो लाइन है वो साफ है, सुसंगत है, भारत जैसे देश में वित्तीय पूंजी का सहारा लेकर फांसीवाद आया है, उस बाकी अलग अलग देशों में भी है, ईरान में है या फिर वो इसराइल, अलग अलग देशों में भी है। और इसीलिए हम एमएलपीडी का लाइन, जर्मनी के लाइन को नहीं मानते कि फांसीवाद मतलब नव साम्राज्यवादी देश, हम इसको नहीं मानते। हमारा मानना यह है कि तीसरी दुनिया के नव औपनिवेशिक देशों में भी फांसीवाद आ सकता है, आ चुका है, कई धर्म का सहारा, कई नस्ल का सहारा लेकर, और ये वित्तीय पूंजी कॉरपोरेट पूंजी साम्राज्यवादी पूंजी की सेवा कर रहा है। आज की तारीख में अमरीकी साम्राज्यवाद या साम्राज्यवादी सरगनाओं को सब जगह सैनिक उतार कर दमन करने की जरूरत नहीं है, पुराने ऑपरेशन युग की जगह आज वो IMF वर्ल्ड बैंक को भेज देते हैं, IMF वर्ल्ड बैंक उनका काम तमाम कर देते हैं गरीब देशों का, अविकसित देशों का। तो इस तरीके से नौ उपनिवेशिक जो शासन शोषण के जो अंग है, ये साम्राज्यवादियों के उपांग के रूप में काम कर रहा है, औजार के रूप में काम कर रहे हैं, और ये सब फांसीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं मानते कि भारत को एक नव साम्राज्यवादी देश नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन उसके लिए पूर्णतः राज व्यवस्था का शरीर बदलना पड़ेगा, आज वो संभव नहीं है। आज भारत का बजट बनाता है IMF वर्ल्ड बैंक, यहाँ पर साम्राज्यवादी तय करते हैं कि भारत के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक नीतियाँ क्या हों। तो इसीलिए वो साम्राज्यवाद पर निर्भरशील उसका जूनियर पार्टनर है। तो फांसीवाद जो यहाँ का है वो साम्राज्यवाद का जूनियर पार्टनर है, फांसीवादी कॉरपोरेट गठबंधन, और पुराने किस्म का फांसीवाद नहीं है, नव किस्म का फांसीवाद, नया फांसीवाद बोलते हैं।